हेलो फ्रेंड्स, संजय एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धुंधला शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है सरीखा शब्द में। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है तो सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण है। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है तो अपूर्णाकबोधक विशेषण। विशेषण जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं तो विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है तो अग्नि। अग्नि शब्द विशेष्य है। आसीन मधुर कर्माण अग्नि में अग्नि विशेष्य है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है तो पानी। पानी विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है तो अनासक्ति। अनासक्ति विशेष्य है। निम्नलिखित में से अनासक्ति शब्द विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है तो विषाद। विषाद शब्द विशेष्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है तो गुणवाचक कोटि का है। मीठा विशेषण गुणवाचक कोटि का है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है तो संज्ञा विधि। संज्ञा विधि लोभी संज्ञा विधि विशेषण से निर्मित विशेषण है। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है तो राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है तो सात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सात संख्यावाचक विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है तो गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए तो पांचवा विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा तो आर्ष। आर्ष बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से आर्ष शब्द बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है तो भय। भय विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है तो मेधावी। मेधावी एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। निम्नलिखित में विशेष्य पद है तो अग्नि। अग्नि विशेष्य पद है। बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन से हैं तो घर आदमी वस्त्र। घर आदमी वस्त्र विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द है तो बुद्धिमती स्त्री। बुद्धिमती स्त्री विशेष शब्द है। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है तो वह ताजी रोटी। ये क्या है गलत है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या का वाक्य होगा तो वह बहुत थक गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है तो उपासक। उपासक विशेष्य है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं तो चार विशेषण और दो विशेष्य हैं। यह गाय अधिक दूध देती है उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है तो दूध की। दूध की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं
में प्रयुक्त विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है तो विषाद, विषाद शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से विषाद शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए तो मानस, मानस शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है तो तुम, तुम शब्द विशेषण नहीं है। विशेष शब्द है लघु, लघु विशेष शब्द होता है। निम्नलिखित में विशेष पद है तो उमा, उमा विशेष पद है। निम्नलिखित में उमा विशेष पद है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है तो आयतलोचना, आयतलोचना विशेषण पद है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है तो कौटिल्य, कौटिल्य शब्द विशेषण नहीं है, कुटिलता। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है तो वह लड़का फूल देकर चला गया या विशेषण सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में चार विशेषण और चार विशेष हैं, दो विशेषण और देखिए। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में तीन विशेषण और दो विशेष हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है तो दशरथ, वाक्य में दशरथ। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तो तेज, तेज क्रिया विशेषण है। गीला है, गीला गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गीला शब्द गुणवाचक विशेषण होता है। दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द हैं समुदाय वाचक विशेषण, तो दोनों शब्द समुदाय वाचक विशेषण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है तो आकाश, आकाश शब्द विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है तो अजीत, अजीत विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है तो अंतर, अंतर विशेषण नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है तो भाव, भाव शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है तो सुंदरता, सुंदरता विशेषण शब्द है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष है तो व्यक्ति, व्यक्ति विशेष है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है तो पांचवा, पांचवा विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है तो धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण होता है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है तो समुदाय बोधक, समुदाय बोधक शब्द। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है तो कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो यही, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं तो सात, सात भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के सात भेद होते हैं। चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। तो लाठी लठैत, लाठी लठैत
विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो संख्यावाचक विशेषण कोई, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है नीली साड़ी में।